नमस्कार दोस्तों, जीपैट डिस्कशन कॉर्नर में आपका फिर एक बार स्वागत है। जीपैट डिस्कशन कॉर्नर, जीपैट क्वालिफाई करना ही है। तो आज का हमारा वीडियो जो है वो रिलेटेड है न्यूट्रास्यूटिकल के पार्ट वन से, जो कि मैंने पहले वीडियो में बना चुका हूँ। अगर आपको वीडियो देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे, और वहाँ पर जाकर आप न्यूट्रास्यूटिकल पार्ट वन वीडियो देख सकते हो। ये पार्ट टू वीडियो है फॉर न्यूट्रास्यूटिकल, प्रेजेंटेड बाय जीपैट डिस्कशन कॉर्नर। ये जो वीडियो है वो आपको जीपैट में काम आएगा ही, और उसके साथ साथ अगर बीफार्म में ऑप्शनल सब्जेक्ट करके न्यूट्रास्यूटिकल अगर आपने सिलेक्ट किया है तो उसके लिए भी ये आपको काम आएगा। इंट्रोडक्शन में न्यूट्रास्यूटिकल का पार्ट वन में दे दिया है, उसमें हम लोग ने 8 न्यूट्रास्यूटिकल्स कवर कर लिए थे। यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे न्यूट्रास्यूटिकल नंबर 9 टू न्यूट्रास्यूटिकल नंबर 21। तो आज का हमारा इस वीडियो का सबसे पहला न्यूट्रास्यूटिकल है वो है फ्रक्टो ऑलिगोसैक्राइड। हम लोग एज एन अल्टरनेटिव स्वीटनर यूज़ करते हैं, और वो इट सर्व्स एज एन फूड और एन सबस्ट्रेट फॉर द माइक्रोफ्लोरा विच आर बीन प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन, इंक्रीजिंग दी जीआई का हेल्थ। जैसे कि हम लोग को पता है कि माइक्रोफ्लोरा जो होते हैं हमारे गट में, वो वाइटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए या फिर ओवरऑल गट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं या फिर कुछ भी मेडिसिन लेते हैं जो माइक्रोफ्लोरा को हार्म करते हैं, तभी माइक्रोफ्लोरा जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसके लिए फिर हम लोग प्रीबायोटिक्स लेते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि प्रीबायोटिक में हम लोग को आएगा याकुल्ट, तो याकुल्ट वगैरह हम लोग लेते हैं, जिसके वजह से जीआई का जो माइक्रोफ्लोरा है वो फिर से अच्छे से एनहांस हो जाता है। तो एज एन फ्रक्टो ऑलिगोसैक्राइड डाइट सोडा में होता है या फिर न्यूट्रिशन बार्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हम लोग का न्यूट्रास्यूटिकल, वो है क्रोमियम पिकोलिनेट। हम लोग बनाते हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमियम एंड पिकोलिनिक एसिड। जब क्रोमियम इज़ लाइक मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड इन अ वेरी ट्रेस अमाउंट फॉर द बॉडी, पर ट्रेस अमाउंट मतलब ऐसे नहीं कि हम लोग को ये नहीं चाहिए, अगर नहीं होगा तो भी प्रॉब्लमेटिक होगा। इसलिए क्रोमियम और पिकोलिनिक एसिड का कॉम्बिनेशन हम लोग क्रोमियम पिकोलिनेट यूज़ करते हैं इन अ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ऑफ क्रोमियम। अगर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट चाहिए तो हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ में वेट लॉस प्रमोट करने के लिए भी हम लोग क्रोमियम पिकोलिनेट यूज़ करते हैं। ये ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन भी इंसुलिन के वे से इंक्रीज करता है, जिसके वजह से ग्लूकोज का लेवल भी अंडर कंट्रोल होगा और वेट लॉस होने भी मदद होगी। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि क्रोमियम पिकोलिनेट के रिच सोर्स है वो है मीट, राइस ब्रैन एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है हम लोग के पास न्यूट्रास्यूटिकल कैल्शियम माइक्रोक्रिस्टलाइन हाइड्रोक्सी एपेटाइट। फिर से एक बार स्पेल करूँगा, कैल्शियम माइक्रोक्रिस्टलाइन हाइड्रोक्सी एपेटाइट। ये जो है वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से बोन्स का जो हेल्थ होगी वो इंक्रीज़ होगी, बोन्स की डेंसिटी इंक्रीज होगी। और जैसे कि हम लोग को पता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड ट्रीटेड पेशेंट्स में या फिर क्रोनिक हेपेटाइटिस वाले पेशेंट्स में कैल्शियम की कमी हो जाती है, या फिर बोन जो होते हैं उनके वो मोर फ्रजाइल हो जाते हैं, उनकी बोन की डेंसिटी जो होती है वो सिग्निफिकेंटली नीचे गिर जाती है, जिसके वजह से हम लोग को अगर कैल्शियम सप्लीमेंट्स के साथ साथ या फिर अलोन कैल्शियम माइक्रोक्रिस्टलाइन हाइड्रोक्सी एपेटाइट देंगे एज ए न्यूट्रास्यूटिकल तो बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है कार्बोनिल कार्बन हाईली प्योर होता है, दैट इज 97.5% उसकी प्योरिटी है। ये हम लोग बनाते कैसे, तो केमिकल डिकम्पोजिशन कराते हैं आयन पेंटा कार्बोनिल का, और जिसके वजह से उसका हम लोग फॉर्म करते हैं उसके स्फेरिकल माइक्रो पार्टिकल्स, और हम लोग वो एज एन सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं फेरस सल्फेट के, क्योंकि फेरस सल्फेट कॉमनली सिरप्स के फॉर्म में या फिर टैबलेट्स के फॉर्म में हम लोग देते हैं जब भी आयन डेफिशिएंसी होती है, पर कार्बोनिल आयन विच इज 97.5% प्योर हम लोग दे सकते हैं एज एन सब्स्टिट्यूट ऑफ फेरस सल्फेट, क्योंकि उसका एक बेनिफिशियल पॉइंट है कि वो रिलीज स्लो में करेगा, मतलब उसका सस्टेन रिलीज होगा, मतलब उसका रिलीज जो है वो होते रहेगा। नेक्स्ट हम लोग के पास डिकोसा हेक्सानोइक एसिड,
ये हम लोग को नाम फैमिलियर नहीं है, डिकोसा हेक्सानोइक एसिड, बट जब हम लोग DHA बोलेंगे तभी हम लोग को याद आएगा कि हॉर्लिक्स में या फिर बोन विटा में हम लोग प्रमोट करते हैं कि ये दिस इज इन्फेंट्स का मिल्क प्रोडक्ट और इसमें DHA ज़्यादा है। DHA मतलब एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे बॉडी में मेजर जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि ब्रेन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स और स्किन, ये फॉर्म होने में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। DHA जो है वो कॉमनली यूज़ करते हैं हार्ट डिसीज़ के लिए, और अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होगा तो। हम लोग ये इन्फेंट्स में यूज़ करते हैं क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होगा DHA की वजह से, तो उनकी मेमोरी और थिंकिंग स्किल्स भी ज़्यादा होंगे, उनकी आई का विजन भी बढ़ सकता है, तो इसलिए हम लोग DHA एज ए न्यूट्रास्यूटिकल भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का पास वो है गामा लिनोलेनिक एसिड, कॉमनली कॉल्ड एज GLA। फैटी एसिड कंपाउंड है जो कि वेजिटेबल ऑयल्स में फाउंड होता है। GLA व्हेन एक्टिंग ऑन GLA अराचिडोनेट 5-लिपोऑक्सीजिनेज प्रोड्यूसेस नो ल्यूकोट्राइन्स एंड कन्वर्जन बाय द एंजाइम्स ऑफ अराचिडोनिक एसिड टू ल्यूकोट्राइन्स इज इनहिबिटेड। जब हम लोग फैटी एसिड GLA देंगे तभी 5-लिपोऑक्सीजिनेज के वजह से जो ल्यूकोट्राइन्स बनते हैं वो नहीं बनेंगे। नेक्स्ट हम लोग के पास न्यूट्रास्यूटिकल वो है CoQ10। CoQ10 जो है वो हम लोग ATP के इलेक्ट्रॉन मतलब ATP के साथ साथ या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो ETC साइकिल होती है वहाँ पे हम लोग CoQ10 यूज़ करते हैं। मतलब हम लोगों ने पढ़ा होगा कि ETC साइकिल में CoQ10 जो है वो प्रेजेंट होता है। ये हम लोग प्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो फर्मेंटेशन, अगर हम लोग माइक्रोबियल फर्मेंटेशन यूज़ करेंगे तो हम लोग को ये बन जाएगा। और तो और ये इंडिकेटेड इन कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस सच एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी। अभी हम लोग को देखना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो नॉर्मल है, तो कोएंजाइम Q10 की डेफिशिएंसी होती क्यों है। तो जब भी हम लोग एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स मतलब जो कोलेस्ट्रॉल लेवल की डिक्रीज करने के लिए हेल्प करते हैं हम लोग को, जैसे कि HMG कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स, जब हम लोग ये यूज़ करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल तो डिक्रीज हो जाएगी और उसके साथ साथ कोएंजाइम Q10 की लेवल भी या फिर उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तभी हम लोग को कोएंजाइम Q10 की न्यूट्रास्यूटिकल ले सकते हैं जो बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है हम लोग के पास, यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये कहाँ कहाँ से ऑप्टेन है। तो ये ब्रोकोली है, ये ऑरेंज है मतलब सिट्रस फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, ये फिश है, तो हम लोग को यहाँ से कोएंजाइम Q10 मिल सकता है। नेक्स्ट है हम लोग के पास चिटोसैन। चिटोसैन एक नेचुरल अमाइनो पॉलीसेक्राइड है जो कि हम लोग डिराइव करते हैं एक्सोस्केलेटन के मतलब क्रिएचर्स से, जैसे कि श्रिम्स हुए, या फिर हम लोग ने पढ़ा होगा कि कॉकरोच जो कि कर्सोरियल होते हैं उनका भी एक्सोस्केलेटन चिटिन से बना होता है या फिर चिटोसैन से बना होता है। फिर मतलब वहाँ से हम लोग कॉकरोच से तो ऑप्टेन नहीं करते, पर जो श्रिम्स है उन लोग से हम लोग चिटोसैन ऑप्टेन करते हैं। श्रिम्स विच हैव ग्रेट अफिनिटी टूवर्ड्स डाइटरी फैट्स फॉर्मिंग अ नॉन एब्जॉर्बेबल पॉलीमर। नेक्स्ट न्यूट्रास्यूटिकल है हम लोग के पास L-सिलिनोमिथियोनाइन। L-सिलिनोमिथियोनाइन एक मिथियोनाइन ही है, पर मिथियोनाइन में हम लोग को पता है कि मिथियोनाइन एक अमाइनो एसिड है और उसमें सल्फर होता है। जब हम सल्फर मिथियोनाइन में से रिप्लेस करके वहाँ पे हम लोग सिलेनियम ऐड करेंगे तो वो बनेगा L-सिलिनोमिथियोनाइन। ये रेडिली एब्जॉर्ब होता है GIT ट्रैक्ट से, पर हम लोग अगर सिलेनियम की डेफिशिएंसी हो जाए, जैसे कि हम लोग ने अभी बात किया था कि हम लोग को क्रोमियम की भी ज़रूरत होती है एज एन ट्रेस अमाउंट में, वैसे सिलेनियम एज एन मेटल की भी हम लोग को ज़रूरत होती है। तो जब सिलेनियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तब तो हम लोग L-सिलेनोमिथियोनाइन एज एन न्यूट्रास्यूटिकल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम लोग के पास सबसे जाना माना पहचाना कॉमन वो है टेट्राहाइड्रोकर्क्यूमिन। टेट्राहाइड्रोकर्क्यूमिन मतलब टर्मरिक में से जब हम लोग को ऑप्टेन होता है वो है टेट्राहाइड्रोकर्क्यूमिन। टेट्राहाइड्रोकर्क्यूमिन एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है,
प्रो इन्फ्लामेटरी एंजाइम जैसे कि कॉक्स एंड लिपो ऑक्सीजन है, जैसे कि कॉक्स एंड लॉक्स, वो हम लोग को इन्फ्लामेशन में मतलब इन्फ्लामेशन के साइकिल्स में आते हैं, तो उनको इनहिबिट करके उनकी जीनोमिक एक्सप्रेशन को कम करके हम लोग को टेट्रा हाइड्रोकर्क्यूमिन एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी बताता है। नेक्स्ट है हम लोग के पास वो है बोस्वेलिक एसिड। बोस्वेलिक एसिड एक पेंटासाइक्लिक टर्पिनॉइड मॉलिक्यूल है जो कि ऑप्टेन होता है बोस्वेलिया प्लांट से। 30% ऑफ द रेजिन ऑप्टेन फ्रॉम बोस्वेलिया इज कंटेन, उसमें होता है बोस्वेलिक एसिड। बोस्वेलिक एसिड हम लोग यूज़ करते हैं कैंसर में, जैसे कि अपोप्टोसिस ऑफ कैंसर सेल्स। अपोप्टोसिस मतलब अपोप्टोसिस इज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जब हम लोग कैंसर सेल्स को मारने की कोशिश करते हैं या फिर ब्रेन ट्यूमर्स या फिर कोलोन कैंसर या फिर ल्यूकेमिया, इनके ट्रीटमेंट में हम लोग बोस्वेलिक एसिड यूज़ करते हैं। बोस्वेलिक एसिड एग्जिबिट पोटेंट एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज इन विट्रो एंड इन वीवो एज वेल। नेक्स्ट है हम लोग के पास वो है फेन्यू फाइबर्स। फेन्यू फाइबर्स इज बीन ऑप्टेन्ड फ्रॉम फेन्यूग्रीक सीड्स। सोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स फ्रॉम ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेशियम, जो कि साइंटिफिक नेम है फेन्यूग्रीक का। ये तो सबसे पहली बात तो ग्लूकोज को अंडर कंट्रोल रखता है, जैसे कि टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़, और उसके साथ साथ वो लोग इंसुलिन की एक्शन भी जो है वो एनहांस करता है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का जो एब्जॉर्प्शन है या फिर डाइजेशन है उसको भी डिले कर देता है। ये हम लोग ऑप्टेन करते हैं फ्रॉम फेन्यूग्रीक सीड्स। नेक्स्ट है हम लोग के पास दैट इज फॉर्स्कोलिन। इट इज़ ए लैबडेन डाइटर्पिन प्रोड्यूस बाय इंडियन कोलियस प्लांट कोलियस फॉर्स्कोली। फॉर्स्कोलिन एक्टिवेट्स एंजाइम एडिनाइल साइक्लेज एंड इंक्रीजेस इंट्रासेलुलर लेवल्स ऑफ कैम्प एन इम्पॉर्टेंट सेकेंडरी मैसेंजर। जैसे कि आपको पता है कि CAMP जो है वो सेकेंडरी इम्पॉर्टेंट मैसेंजर है, और एक कोलियस जो प्लांट है वो इंडोर प्लांट करके एज ए डेकोरेटिव प्लांट करके हम लोग यूज़ करते हैं इसको, पर इसका जो मेडिसिनल या फिर न्यूट्रास्यूटिकल यूज़ है वो बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये CAMP का लेवल जो कि एक सेकेंडरी मैसेंजर है उसका लेवल जो है वो बॉडी में इंक्रीज करता है। दैट्स ऑल गाइस। तो हम लोग ने न्यूट्रास्यूटिकल के पार्ट 1 में 8 न्यूट्रास्यूटिकल देखे, और यहाँ पर हम लोग ने 9 to 21 न्यूट्रास्यूटिकल्स कवर किए। ये न्यूट्रास्यूटिकल्स इम्पॉर्टेंट है जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू पर भी, एज एन फार्मास्यूटिकल नॉलेज पर भी, और अगर आप लोग बीफार्म के इस सिलेबस में अगर आप न्यूट्रास्यूटिकल एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करोगे तो भी आपको ये बहुत काम में आने वाला है। तो इस तरह से हम लोग ने पहले वाले पे 8 और इस वीडियो में 13 न्यूट्रास्यूटिकल्स कवर किए हैं। ये दोनों वीडियो आप देख लीजिएगा, न्यूट्रास्यूटिकल पार्ट 1 और न्यूट्रास्यूटिकल पार्ट 2, आपका न्यूट्रास्यूटिकल के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जाते हुए मैं यही बोलूँगा कि सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और उसके साथ साथ आपके कॉलेज के ग्रुप में इसे बिल्कुल शेयर कीजिए। और अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए ये आप मुझे कमेंट पर लिख के बता सकते हो, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तब तक के लिए हम लोग यही कहेंगे कि वी बिलोंग टू जीपैट डिस्कशन कॉर्नर, जीपैट क्वालिफाई करना ही है।